हाय एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लाउड मीटिंग एप्स के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि कोरोना के चलते बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑनलाइन ही हो रही हैं। मीटिंग चाहे ले लो या क्लासेस ले लो या और भी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। तो मैं आपको ऐसे 5 ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही अच्छे हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। मैं उनकी हर एक फीचर्स के बारे में और वो क्यों अच्छे हैं, क्यों डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो ऐप्स हैं वो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी है, अगर आप टीचर हो तो आपके लिए भी है, अगर आप कोई प्रोफेशनल कंपनी में काम करते हो, आपको मीटिंग देना है या मीटिंग ज्वाइन करना है तो आपके लिए भी ऐप है। ये 5ों ऐप सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में और इंडिया में भी इस समय। तो मैं आपको इनकी हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं कंसल्टी आरके चैनल। तो गाइस, जो सबसे नंबर 1 पे है वो है गूगल मीट ऐप। उसको मैं पर्सनली भी रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऐप है। जो सबसे अच्छी चीज़ इसकी है वो है जी सूट पे ये काम करता है। मतलब गूगल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप इसमें एक साथ एक्सेस कर सकते हो। आप मीटिंग का कैलेंडर डिफाइन कर सकते हो, तो कैलेंडर आप सेंड कर दोगे तो आपके जो ज्वाइनर होंगे उनको प्रॉपर वो ईमेल चला जाएगा, तो वो उनको गूगल कैलेंडर में इंडिकेट करता रहेगा कि आपकी मीटिंग है इस टाइम और इस दिन, वो उनको रिमाइंड करता रहेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है और वीडियो की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। आप डायरेक्टली इसमें गूगल ड्राइव से फाइल को अटैच कर सकते हो और शो करा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही अच्छे फीचर हैं इसमें, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा और बहुत ही सिंपल। आप डायरेक्टली इसमें जीमेल पे भी जाके वीडियो कॉल स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही इजी है ये सॉफ्टवेयर, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। अब गाइस आता है नंबर 2 पे, वो है जूम ऐप। ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिलायबल है और इसमें लार्ज वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। स्क्रीन को शेयर कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन्स को, तो मतलब इस तरह के जो भी फीचर है वो सारे इसमें भी हैं। इस समय इंडिया में ये काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, बस थोड़ा सा सिक्योरिटी पर्पज़ के मामले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट अभी जो इनका नया वर्जन आया है उसमें वो सारी चीज़ें सॉल्व कर दी गई हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट है, आप जूम ऐप को भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो तीसरा ऐप है वो है गोटू मीटिंग ऐप। ये भी बहुत अच्छा ऐप है, इसमें बहुत सारे प्रोफेशनल फीचर दिए गए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है। जो कंपनीज आईटीज की कंपनीज होती हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इस ऐप को मीटिंग्स के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। इसलिए अगर किसी कंपनी से हो तो इस ऐप को यूज़ करो, इसमें बहुत सारे आपको प्रोफेशनल फीचर मिल जाएंगे। अब उसके बाद दोस्तों चौथा ऐप है वो है join.me ऐप। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही लाइट वेटेड है। अगर आप कम डेटा यूज़ करना चाहते हो और बहुत सिंपली, मतलब आपकी मेमोरी ज़्यादा नहीं है, तो आप इस ऐप को यूज़ करो। बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही सिंपल है, तो आप इस ऐप को भी यूज़ कर सकते हो एज ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट ऐप है वो है वेबएक्स मीटिंग। इसको सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप कहते हैं। ये भी एक अच्छा ऐप है, ये काफ़ी पुराना ऐप है, ये काफ़ी पहले से यूज़ किया जा रहा है। इसमें भी कई सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, प्रोफेशनली भी इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। इसका जो बेस्ट फीचर है वो है वर्चुअल वाइट बोर्डिंग। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, अगर आपको ये फीचर यूज़ करना है तो आप इस ऐप के लिए जा सकते हो। तो गाइज, ये 5 ऐप हैं, हमने इनके बारे में आपको बता दिया है, आपको सारे फीचर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा ऐप यूज़ करते हो, कौन सा ऐप आपको बेस्ट लगा, अगर आपने इन 5ों में से कोई ट्राई किया है तो। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ गाइज, आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।